बर्थ डे पर आलिया भट्ट ने अपने ड्राइवर हेल्पर को दिया ये खास तोहफा, जानकर आप भी करोगे तारीफ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने पिछले दिनों अपना 26वां जन्मदिन मनाया। आलिया ने ये खास दिन अपने फैमिली और दोस्त के साथ सेलिब्रेट किया। इस मौके पर आलिया ने भी कुछ ऐसा किया जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। खबरों की माने तो आलिया भट्ट ने अपने जन्मदिन पर अपने ड्राइवर और हेल्पर को 50-50 लाख के चेक दिए हैं, जिसमें वो अपना खुद का घर खरीद सकेंगी। बताया जा रहा है कि आलिया ने जब अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जब से ड्राइवर सुनील और हेल्पर अनमोल काम कर रहे हैं, फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से दोनों आलिया के साथ जुड़े हुए हैं। इस जन्मदिन पर आलिया ने उनको ये खास गिफ्ट दिया है। पिछले दिनों खबर थी कि आलिया के जन्मदिन पर बॉयफ्रेंड रणवीर कपूर ने उनके लिए एक रोमांटिक डेट भी प्लान किया है। दोनों USA के एस्पेन माउंटेन स्की रिजॉर्ट में वेकेशन एंजॉय करने जाएंगे। बताया जा रहा है कि जैसे ही आलिया फिल्म कलंक का प्रमोशन खत्म कर लेंगी, वैसे ही कपल डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो जाएगा। आलिया भट्ट के जन्मदिन पर बॉयफ्रेंड रणवीर कपूर आधी रात उनके घर जन्मदिन विश करने पहुंचे थे। आधी रात का टाइम रणवीर ने इसलिए चुना था ताकि मीडिया से बचा जा सके। बता दें कि आलिया इन दिनों फिल्म कलंक की तैयारियों में बिजी है। यह फिल्म अगले महीने रिलीज होगी। पिछले दिनों इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था। सोमवार को फिल्म का पहला गाना रिलीज हुआ है, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया है। फिल्म कलंक के पहले गाने घर मोरे परदेसिया, आलिया और माधुरी एक साथ नजर आ रही हैं। इस गाने को श्रेया घोषाल और वैशाली मांडे ने अपने आवाज में गाया है। म्यूजिक प्रीतम ने दिया है। गाने के बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। रेमो डिसूजा ने गाने को कोरियोग्राफ किया है। यह फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज होगी। फिल्म में वरुण धवन के साथ आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित अहम भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं। अब लोगों को इस फिल्म के ट्रेलर का इंतजार है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।